गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर क्लास सिक्स का रिटर्निंग होम। तो चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, अभी आज हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं सेक्शन ए बी एंड सी का। तो लेट अस स्टार्टेड। सेक्शन ए में जो दिया है मैचिंग करने के लिए दिया है, तो आप थोड़ा खुद पहले से अपना ट्राई करिए, फिर बाद में इसको देखिए। तो आप अपनी बुक्स को लेके बैठिए और साथ ही साथ में इसको सॉल्व करते रहिए। मैचिंग करने के देखें, ग्रुप ए में पहला वाला देखेंगे। पहला वाला है यंग अंकल प्लान्ड ए ट्रिप, ये जो है कॉलम ए से है, प्लान्ड ए ट्रिप और वो मैच होगा सेकंड से। इसमें ए लिखा है, बी में ए लिखा है टू हिज विलेज इन द कूल सीज़न। तो उन्होंने एक ट्रिप प्लान करी थी अपने विलेज के लिए कूल सीज़न में, विंटर सीज़न में। बी देर वॉज प्लेंटी टू सी, बहुत कुछ देखने को था और ये मैच होगा बी के पहले वाले से। एंड हियर अबाउट द विलेज, बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए था विलेज में। सी द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बट देयर मदर वुड नॉट लेट हिम लेट देम, बट उनकी मदर ने उनको जाने नहीं दिया। आपको ये दिख रहे होंगे, आप उसके साथ मैच करा लीजिए। डी द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट एंड सैट विथ लॉन्ग फेसेस, और अपना मुंह लंबा कर करके बैठ गए, मुंह सूजा सूजा के बैठ गए। ई देन यंग अंकल ऑफर टू ब्रिंग वॉट दे वॉन्टेड फ्रॉम द विलेज, तो उन्होंने अंकल ने उनको मनाने के लिए, खुश करने के लिए बोला कि तुमको विलेज से मैं क्या लेके आऊँ। एफ द चिल्ड्रन चीयर्ड अप एंड आस्क फॉर मैंगोज फ्रॉम द विलेज, और ये सुन के चिल्ड्रन जो है बहुत खुश हुए और मैंगो लाने के लिए उनको बोला। जी ऑल ऑफ देम फेल्ट दैट मैंगोज फ्रॉम द विलेज वर द बेस्ट, सबको पता था कि मैंगो जो थे विलेज से बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। अब बताया है सेक्शन बी टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला है यंग अंकल हैड स्पेंड सम टाइम एज ए स्कूल बॉय इन हिज एंसेंट्रल हाउस, एंसेंटर्स का जो हाउस था उनके घर में उन्होंने अपना स्कूल के टाइम बिताया था। नंबर टू यूसुफ रिक्वेस्टेड यंग अंकल टू विजिट नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी बिकॉज ही वॉन्टेड हिज हेल्प टू सी वॉट वॉज रॉन्ग इन द सेंचुरी। वो जा नहीं सकता था, ऑल दो ये यंग अंकल के जो विलेज था उसके बगल में था, बट वो चाहता था कि वो जाके देखे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से टू का सी बैठता है। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द मैंगोज फ्रॉम द विलेज वर द बेस्ट इन द नोन यूनिवर्स, दिस मीन्स द चिल्ड्रन फेल्ट द मैंगोज वर द बेस्ट। वॉट इज़ द फ्रेज नोन यूनिवर्स, वाई इज़ द फ्रेज नोन यूनिवर्स यूज, तो मैंगो जो थे वहाँ के बहुत बेस्ट थे, बहुत अच्छे थे, बट यहाँ पे जो फ्रेज जो दो वर्ड्स यूज़ किए गए नोन यूनिवर्स, वो क्यों यूज़ किए गए हैं। तो दो वर्ड्स को इसलिए यूज़ किया है कि जो बच्चे जो थे वो खाली अपने विलेज, वो जो विलेज था उसके बारे में जानते थे और अपने टाउन के बारे में जानते थे, उनके बाहर में क्या हो रहा है, वहाँ के मैंगोज कैसे हैं उनको नहीं पता था। तो बाहर की दुनिया के बारे में, बाहर के वहाँ, क्योंकि वहाँ से मैंगो इनके यहाँ पास नहीं आते थे, ये वहाँ कहीं नहीं जाते थे जिससे उनको मालूम पड़े कि बाहर के मैंगो अच्छे हैं। तो जितना उनके एरिया पता था वन उन सब एरिया में से उनके विलेज के मैंगो सबसे अच्छे थे और वही उनके लिए यूनिवर्स था, वो विलेज और वो टाउन जो था जिसमें वो रहते थे वही उनके लिए यूनिवर्स था। द फ्रेज नॉन यूनिवर्स मीन्स फॉर द चिल्ड्रन देयर यूनिवर्स इज देयर सराउंडिंग एरिया सच एज देयर विलेज एंड टाउन एक्सेट्रा। दे डू नॉट नो मच बियॉन्ड देयर विलेज एंड टाउन। इट मे बी पॉसिबल दैट मैंगो फ्रॉम अदर रीजन ऑल्सो गुड बट दोज मैंगो आर नॉट अवेलेबल इन देयर विलेज और टाउन। सो फॉर चिल्ड्रन नॉन यूनिवर्स मीन देयर विलेज एंड टाउन बियॉन्ड विच दे डू नॉट नो मच मोर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। यंग अंकल सेड वॉट लॉन्ग फेसेस, वॉट आर लॉन्ग फेसेस, वाई डिड द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग फेसेस, वॉट कुड बी द अपोजिट ऑफ लॉन्ग फेसेस। तो लॉन्ग फेसेस जब उनको मना कर दिया गया, उनके मदर ने मना कर दिया कि नहीं यू आर नॉट गोइंग टू गो अलॉन्ग विद द अंकल, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो ये लॉन्ग फेसेस जो थे चिल्ड्रंस के बारे में रेफर किया गया है। द चिल्ड्रन हैड लॉन्ग फेसेस बिकॉज देयर मदर हैड नॉट अलाउड देम टू गो टू द विलेज अलॉन्ग विद देयर यंग अंकल। And opposite of long face could be small face, which people make when they feel low or dullness
जब लोगों को डलनेस रहती है या थोड़ा लो फील करते हैं तो वो उनका चेहरा थोड़ा छोटा हो जाता है, या कभी कभी इंसल्ट करता कोई तो भी चेहरा छोटा हो जाता है, स्मॉल फेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोबर मेल स्टोरीज वर पार्ट ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स हैबिट और कस्टम। व्हाट वॉज द कस्टम इन द फैमिली? इस स्टोरी टेलिंग ए कस्टम इन योर फैमिली? तो वहाँ पे कस्टम क्या था? तो इस टेलिंग स्टोरी ऑफ गोबर मेल वर पार्ट ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन एंड द चिल्ड्रन लव बींग टेरिफाइड बाई दीज स्टोरीज। तो चिल्ड्रन लव टू लिसन टॉल टेल्स, उनको पसंद था। कई जगह इन चैप्टर में आया गया है कि उनको टेल्स बहुत पसंद थी। येस इन माई फैमिली ऑल्सो स्टोरी टेलिंग इज अ कस्टम। माई नानी माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल सो मैनी स्टोरीज टू मी। आई ऑल्सो टेल स्टोरी टू माई सन एंड टू माई नीस। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक यंग अंकल अंडरस्टैंड द बेबी? डिड द बेबी रियली वॉन्ट्स ए हेयर फ्रॉम टाइगर स्टिल? नो, ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद द बेबी एंड शोइंग हिम द पिक्चर ऑफ द टाइगर। सो वो बेबी क्या बोल रहा है, क्या क्या इशारे कर रहा है वो नहीं समझते थे, खाली वो बेबी खेल डाल रहा था पिक्चर के साथ। बेबी डिड नॉट वॉन्ट ए हेयर फ्रॉम द टाइगर स्टिल, ही वॉज जस्ट पुटिंग द हैंड रेंडमली ऑन द पिक्चर। और ये एक आर्टिस्ट के वर्ड्स और सेंटेंस प्लेइंग है, जिससे वो ऑडियंस को और रीडर्स को थोड़ा एंटरटेन कर सके। अदरवाइज दोनों के बीच में एग्जैक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। सो दिस वाज द चैप्टर द रिटर्निंग होम। इसके क्वेश्चन आंसर हमने किए, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद के सेक्शन के, जैसे सेक्शन ई और एफ, ये बाद में करेंगे। प्लीज आप भी अपना ट्राई करिए। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।